कोरोना संक्रमण के चलते सूबे के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को बीती रात को अंबाला के रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है, जहां वार्ड नंबर 24 में उनका इलाज चल रहा है। इसी को देखते हुए विज को पीजीआई के डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी देने पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल अनिल विज की हालत स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि विज ने सुबह दूध, चाय और थोड़ा दलिया भी लिया और जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई। हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी हैं, वो कल रात को करीब 10:30 बजे के करीब हमारे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इनको कोरोना की शिकायत थी, जिसका ट्रीटमेंट अंबाला में चल रहा था, और उनको एक कोर्स रेमडेसिविर जो कि एंटीवायरल ड्रग है दिया जा चुका है। वैसे जो इनकी हालत है वो स्टेबल है, लेकिन जो टेस्ट हुए हैं उनके जो स्कैनिंग में थोड़े पैचेज आए और फीवर की शिकायत थी। तो ये देखते हुए कि पूरा इलाज होना चाहिए, उन्होंने अपने आप को हमारे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एग्री किया, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। उनका पूरा विश्वास है कि जो हमारा सरकारी तंत्र है वो पूरी तरह से समर्थ है इलाज करने में। तो उनको जब ये आए तो उनकी दिक्कत क्या थी और किस तरह का उनका इलाज किया? ऐसे है कि जब वो शाम को आए तो मैंने जैसे आपको बताया वो स्टेबल थे, लेकिन सिम्टम्स हैं, जैसे कि कुछ फीवर था उनको, तो दवाई तो पहले दी जा चुकी थी। जब सिम्टम्स आते हैं तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जैसे फीवर आ गया तो फीवर की दवाई दे दी। तो जब वो कल रात को आए तो वो ठीक थे और अभी भी वो ठीक हैं। सवेरे उन्होंने अंडों का सेवन किया, चाय ली और दलिया खाया और फीका दूध पिया। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग के इंचार्ज डॉक्टर गजेंद्र सिंह की माने तो अनिल विज को निगरानी के लिए पीजीआईएमएस में भर्ती कराया गया है और उन्हें संस्थान के स्पेशल वार्ड में देर रात भर्ती किया गया है और रोहतक पीजीआई की टीम प्लाज्मा थेरेपी देने पर विचार कर रही है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ठीक है और जल्द ठीक होकर वो वापस घर जाएंगे। साथ ही डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जब तक मंत्री जी की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, तब तक कृपया उनसे मिलने अस्पताल ना आए। गौरतलब है कि कोवैक्सीन की डोज लेने के बावजूद भी अनिल विज कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे और उनका अंबाला सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।